नमस्कार, आप देख रहे हैं शान न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ ईशान। आइए देखते हैं अपने जानदार शानदार शहर मुरादाबाद की प्रमुख खबरें। और आप सभी से एक निवेदन कि अपने शहर को स्वच्छ रखें। तीसरी बार हुई मंदिर में चोरी, हजारों का सामान चुरा ले गए चोर। थाना मझोला के क्षेत्र चाऊ की बस्ती लाइन पार में मौजूद त्रिमूर्ति मंदिर की दीवार कूद कर चोर मंदिर से हजारों की चोरी की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए हैं। मझोला में हुई चोरी की घटना का एसपी सिटी ने पुलिस लाइन में किया खुलासा। बरामद की गई ट्रैक्टर ट्रॉली, रामपुर निवासी दो भाई गिरफ्तार। मुरादाबाद में यातायात और बनाया जाएगा सुगम। बरेली मुरादाबाद नेशनल हाईवे पर एक मिनी बाईपास बनेगा, जिससे उत्तराखंड के लिए सफर आसान हो जाएगा। रामपुर के बाहर से ही लोग सीधे बिलासपुर पहुंच जाएंगे। मुरादाबाद से रामपुर जिले के बिलासपुर मार्ग को जोड़ने वाले मिनी बाईपास का निर्माण जल्द शुरू होगा। भूमि अधिग्रहण के बाद किसानों को मुआवजे की रकम वितरण का सिलसिला तेज हो गया है। नगर पंचायत भोजपुर में अकेले रह रहे बुजुर्गों व गरीब परिवारों के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए पुलिस ने मिठाई और फल, कोल्ड ड्रिंक व सामान बांटा और पुलिस परिवार ने जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी। इस आयोजन ने साबित किया कि भोजपुर पुलिस अपने कर्तव्य निर्वहन के साथ ही समाज सेवा करने में भी आगे है। पुलिस ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी त्योहार को देखते हुए उन बुजुर्ग वरिष्ठ नागरिक, विधवा महिलाओं और गरीब परिवारों की मदद की जो अकेले हैं या उनके परिवार में कोई नहीं है। सिविल लाइन्स थाना क्षेत्र में कार्ट रोड पर एसपी सिटी ऑफिस के नजदीक गुरुवार देर रात दो पक्षों में भिड़त हो गई। इस दौरान एक पक्ष ने मारपीट करने के साथ ही तमंचे से दूसरे पक्ष के युवकों पर फायर भी झोंक दिया। हमलावरों से बचने के लिए तीन युवकों ने एसपी सिटी ऑफिस परिसर में घुसकर जान बचाई। गोली की आवाज से वहां मचा हड़कंप। इस मामले में सिविल लाइन्स थाना पुलिस ने चार नामजद समेत आठ आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है, जिसमें से पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जिला कारागार में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। महिला बंदियों के बच्चों ने राधा कृष्ण का मनमोहक रूप धारण कर भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाएं की। पुरुष कारागार में बंदियों ने भजन कीर्तन किए। जेल के अंदर और बाहर के मंदिरों को भव्य रूप से सजाया गया। व्रत रखने वाले बंदियों के लिए दूध व फलाहार की व्यवस्था की गयी थी। दिल्ली रोड स्थित मधुरम मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के जन्म की खुशी में भक्तों ने दिन भर उपवास रखा और रात में जन्मोत्सव मनाया। रात 12 बजते ही कान्हा ने जन्म लिया तो मंदिरों और घरों में श्रद्धालुओं ने बधाइयां गाई। कई मंदिरों में दही हांडी की मटकी भी फोड़ी गई। श्रद्धालुओं ने नंद के आनंद भायो, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की भजन गाकर लड्डू गोपाल को झूला झुलाया। महानगर कांग्रेस कमेटी के चमोखा पुल स्थित कार्यालय पर देश के सातवें पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। अध्यक्षता महानगर अध्यक्ष अनुभव मेहरोत्रा व संचालन प्रवक्ता मोहम्मद शमी ने किया। गोष्ठी में कांग्रेस जनों ने राजीव गांधी के जीवन पर विस्तार से प्रकाश डाला। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुरादाबाद द्वारा पुलिस अधीक्षक नगर, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, पुलिस अधीक्षक यातायात व अन्य राजपत्रित अधिकारी गण के साथ रिजर्व पुलिस लाइन में पुलिस परिवार सहित पूजा अर्चना कर हर्षोल्लास के साथ मनाया गया जन्माष्टमी का पावन पर्व। शनिवार को आशियाना स्थित इस्कोन केंद्र पर संस्था के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद का आविर्भाव दिवस मनाया गया। श्रील प्रभुपाद जी आज ही की तिथि पर वर्ष 1896 में कोलकाता में जन्मे थे। श्रील प्रभुपाद ने अपने गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज से प्रथम भेंट 1922 में की तथा वर्ष 1933 में उनसे विधिवत आध्यात्मिक दीक्षा ग्रहण करके उनके शिष्य बन गए।